रुद्राक्ष महोत्सव पर आयोजित शिव महापुराण कथा का आज चौथा दिन संपन्न हो चुका है। अगर आपने यह कथा सुनी होगी तो आपको भी काफी आनंद की प्राप्ति हुई होगी। पर इस वीडियो में आज हम आपको वह वाक्य बताने वाले हैं जब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को तेज गुस्सा आ गया। उनको यह गुस्सा इस बात पर आया कि लोग बात उड़ा रहे हैं कि रुद्राक्ष को फेंक कर बांटेंगे, मतलब इस वर्ष यदि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष का वितरण होता तो इस प्रकार से किया जाता। इस बात की जानकारी जब गुरु जी को हुई तब उन्होंने कहा, आपकी बुद्धि का नाश हो गया है क्या? जिस रुद्राक्ष का सुबह और शाम अभिषेक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसको फेंकेंगे? जाके किसी पागलखाने में भर्ती हो जाओ और अपना इलाज कराओ। ऐसा कहने के बाद गुरुजी ने बताया कि पिछली बार हमने रुद्राक्ष को लोगों को उनकी झोली में दिया था, वो भी बैठाकर। सब बैठे थे, हम बाल्टी में रुद्राक्ष लेकर उनके पास जाते थे और उनकी झोली में रुद्राक्ष डाल देते थे, क्योंकि रुद्राक्ष का स्पर्श कभी भी जमीन पर नहीं होना चाहिए। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें।